हेलो एवरीवन, वी आर कमिंग बैक टू आवर चैनल फन एंड फ्लेम। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाब की फेमस पतेर की रेसिपी, जिसे कुछ लोग पतरोर भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इसे सबसे पहले हम लेंगे प्याज बहुत बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन एक चम्मच, जीरा एक चम्मच, काली मिर्च एक चम्मच, अनारदाना एक चम्मच, सौंफ एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, सौंठ का पाउडर एक चम्मच, और सबसे इम्पोर्टेंट है बेसन, ये हम लेंगे 1 किलो। आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी मार्केट में मिलता है आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अरबी के पत्ते। पतेर की सब्जी बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमें ताज़े पत्ते चाहिए, देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये पुराने होंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, हम पीछे से इसे काट लेंगे। ये माँ के हाथ की स्पेशल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर देखिए, आप बनाकर देखिएगा तो घर में सेम इसी तरीके से बनेंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, हम पीछे से थोड़ा थोड़ा वो काट रहे हैं। अब मैं एक बर्तन में बेसन लूँगी और उसके साथ साथ मैं आपको इनके बेनिफिट भी बताऊँगी। 1 किलो बेसन ले रहे हैं, ये हमारे डायबिटीज़ को कम करता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लेंगे अनारदाना, जो हमारे ब्लड को थिन करता है और हमारे लिए ऑक्सीजन मास्क का काम करता है। नेक्स्ट इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करता है, डाइजेशन में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है सौंफ, जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में, आईसाइट को इम्प्रूव करने में और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अजवाइन, जो हमें एसिडिटी और डाइजेशन से रिलीफ देता है। नेक्स्ट इज जीरा, जो हमारे डायबिटीज़ में हमें बहुत हेल्प करता है और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स भी है। नेक्स्ट इज ग्रीन चिली, जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट अप करता है। नेक्स्ट इज सौंठ, या जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ हमें जो कोल्ड है उससे भी हमें अच्छे से बचाता है। ये लहसुन है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमें हार्ट डिजीज को भी कम करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सॉल्ट, सॉल्ट हम अपनी इच्छा अनुसार, अपने टेस्ट अनुसार इसमें डालेंगे। और उसके बाद लास्ट इज अनियन, जो हमने 3-4 डाले हैं, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को और बोन डेंसिटी को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो है ना हमारे इन इंग्रेडिएंट्स के बहुत सारे फायदे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह अच्छे से मिलाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इस तरह से देखेंगे कि इसमें जो लम्स हैं वो ना बने। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बनकर रेडी है। अभी इसमें अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो चुका है। अब हम एक एक करके ये अरबी का पत्ते हम लेंगे। ये पहला पत्ता लिया और उस पर अच्छे से पूरी तरह उस पर बेसन का ये जो पेस्ट है ये हम अच्छे से लगाएंगे पूरे पत्ते पर। अब देखिएगा जब ये बनकर तैयार होगा इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हमें गले में लगता है या ऐसा, या इसका फ्लेवर नहीं अच्छा आता है या कच्चा लगता है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे इसे तो नो डाउट ये बहुत टेस्टी बनेगा। ये अरबी के पत्तों के ये पकौड़े जो हैं पतेर के, ये बहुत अच्छे बनते हैं। एक के ऊपर एक पत्ता लगाते जाएंगे, तो इस तरह से हम उन पर अच्छे से बेसन की कोटिंग करेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि इसे हल्के से मैंने जैसे तोड़कर उसके बाद इस पर लगाते हैं ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। इस तरह से पूरा बैटर उसके ऊपर अच्छे से लगाना है और वन बाय वन आप अपनी मर्जी से जितने पत्तों का बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने 8 पत्तों का बनाया था,
आप देख लीजिए। नाउ यही एक बेस्ट टाइम है, आप इस पर ध्यान दें। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और आपके लिए टिप है कि ऊपर बेसन ज़रूर लगाते रहें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा टूट जाता है, अगर आप इस तरह से बेसन लगाएंगे अच्छे से इसे कवर करेंगे तो ये नहीं टूटेगा। तो फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे एक तरफ से इसे फोल्ड किया और दूसरे एक हाथ से मम्मा ने हेल्प की है तो वो पकड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से हम वो देखिए जो हमारे पत्ता खुलता है उस पर हम थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते जाएं ताकि प्रॉब्लम हो। और फिर लास्ट पे हम इनके दोनों तरफ से अच्छे से इसे बेसन की कोटिंग करेंगे। ये हमारा बनकर रेडी है। उसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। मैंने 25 पत्ते लिए थे और उस हिसाब से बनाया था, अब अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने गैस ऑन कर ली है, उस पर मैंने जो इडली स्टैंड है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी पतीले में पानी रख के उसके ऊपर स्टैंड रख सकते हैं तो, या कढ़ाई में रख सकते हैं थोड़ा पानी नीचे रख के, तो उसे स्टीम देनी है, आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मेरे पास इडली स्टैंड था तो मैंने उसके ऊपर ये पतेड़ के पत्तों का जो अच्छे से फोल्ड करके रखा है तो वो इसमें एक एक करके रख दिया है। तो अभी हम इसे ऊपर से कवर कर लेंगे। इसे ढकने के बाद 12 से 15 मिनट लगभग लगते हैं इसे स्टीम्ड होने में अच्छे से। तो अभी 15 मिनट हो गए हैं तो मैं चेक करती हूँ, मैं इसे सिलाई के साथ चेक करूँगी। ये मैंने सिलाई अंदर डाल कर देखी और ये बहुत आराम से बाहर आ गई है, इसका मतलब हमारा बन गई रेडी है। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अभी मैं इसे छोटे छोटे जैसे गोल गोल शेप में काट रही हूँ। अभी ये कट होके कुछ इस तरह से तैयार हो गए हैं। अभी मैं फ्राई पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे इस तरह से गर्म करूँगी। आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसे इस तरह से बनाएं। इसमें ऑयल कम लगता है और अच्छे से पक जाते हैं। मैं इसको आपको दोनों तरीके से बताऊँगी किस तरह हम बना सकते हैं। ये हल्का हल्का इस पर सेक लगा के ये दोनों तरफ से पलट के कुछ इस तरह से हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। ये आप तवे पर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे बनकर रेडी हैं। अभी दूसरा तरीका इसमें है जिसमें मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लूंगी, उसे अच्छे से तेल को गर्म होने दूंगी और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं अरबी के जो ये पत्ते हैं जिसे हम पतेड़ बोलते हैं उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालूंगी और फिर उसे अच्छे से डीप फ्राई करूंगी। इस तरह फ्राई करने से जो हमारे पतेड़ हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं डीप फ्राई होने से। देख सकते हैं कि अब ये फ्राई हो गए हैं अच्छे से, तो मैं एक एक करके इन्हें बाहर निकालूंगी। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि लोग इन्हें चाय के साथ स्नैक की तरह भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी हम इसे ले सकते हैं। तो ये मैं इसके दोनों तरह के आपको मैंने बनाकर दिखा दिए हैं। अगर कढ़ाई में डीप फ्राई करके खाना हो तो कुछ इस तरह से बनेगा और अगर आपने वैसे खाना हो तवे पर हल्का सा फ्राई करके तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फन एंड फ्लेम। बाय बाय।